आपको बता दें कि बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 487 अंक की कमजोरी के साथ 37,789 पर बंद हुआ है। तो वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी करीब 138 अंक लुढ़क कर 11,359 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स का लगातार सातवें दिन लुढ़कना बरकरार है, जिसके चलते अब तक निवेशकों के 4.66 लाख करोड़ डूब गए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मई महीने की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही है। इस दौरान बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की वैल्यूएशन 1,52,09,721.43 रुपए से गिरकर 1,47,43,074.21 रुपए पर आ गई है। ऐसे में निवेशकों को कुल 4.66 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दुनिया के बड़े निवेशक वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर अमेरिका की चीन पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी सच साबित हुई तो पूरी दुनिया के लिए खराब होगा। सीएनबीसी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वॉरेन बफेट ने कहा कि ट्रेड वॉर का मसला सुलझाने में ही सबकी भलाई है। ट्रेड वॉर पूरी दुनिया के लिए बुरा होगा। टैरिफ पर तोल मोल खतरनाक है। चीन की तरक्की पूरी दुनिया के लिए अच्छी है। दोनों देशों की फिक्र जायज है। उम्मीद है कि अमेरिका चीन ट्रेड का मुद्दा सुलझा लेंगे।